अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, वेलकम टू गेटवे इन्फो नेटवर्क। सन 1972, हिंदुस्तान की राजधानी आगरा की बाजार। शाहिनशाह औरंगजेब की खास मुलाजिम महान शख्स हाजी शफी की नजर गुलामों की बाजार में मौजूद 12 साल की सूर्य नारायण मिश्रा के ऊपर पड़े। एक हिंदू गुलाम, उम्र 12 साल, नाम सूर्य कुमार मिश्रा। मासूम सूर्य नारायण की आंखों में अब तक बीते हुए जिंदगी की हर एक दर्द आंसू बन के बह रहा था। कैसे उनकी मातृभूमि दक्षिण भारत में दलित ब्राह्मण की लड़ाई में अपने परिवार को खो दिया, कैसे गिरफ्तार होके सूर्य नारायण गुलामों की बाजार में बेच दिया गया। पहले हैदराबाद, फिर महेश्वर की बाजार घूमते हुए अब राजधानी आगरा की बाजारों में लाया गया। महान शख्स हाजी शफी ईरान के रहने वाले थे। मुगल सम्राट औरंगजेब की राज दरबार में नौकरी करते थे। ईरान की शिया मुस्लिम समुदाय का महान शख्स हाजी शफी 1960 में पैदा हुआ गुलाम सूर्य नारायण मिश्रा को आगरा की गुलामों की बाजार से खरीद लिया। कुछ ही दिनों में मुगल सल्तनत की मुलाजिम हाजी शफी अपना नौकरी छोड़ दिया और अपना सरजमीन वतन ईरान लौट गए और साथ ही साथ 12 साल के सूर्य नारायण मिश्रा को भी अपने साथ ले गए। ईरान की इस्लामिक दुनिया सूर्य नारायण मिश्रा की जिंदगी में इतनी गहरी असर डाला, इस्लाम कबूल करते हुए हिदायत इस्लाम नसीब हो गया। इस्लाम कबूल करके सूर्य नारायण मिश्रा मोहम्मद हादी के नाम से परवरिश पाया। महान हाजी शफी सूर्य नारायण मिश्रा उर्फ मोहम्मद हादी को अपने बेटे के तौर पर परवरिश दिया। हाजी मोहम्मद शफी के इंतकाल के बाद मोहम्मद हादी उर्फ सूर्य नारायण मिश्रा 1686 में हिंदुस्तान लौट आए। हुकूमत मुगल की एक नौकरशाह की हैसियत से काम करना शुरू किया। विदर्भ की मुगल दीवान अब्दुल्ला खुरासानी के अधीन काम करते हुए शाहिनशाह औरंगजेब की नजर में आ गए, जब फतवाए आलमगिरी नामा में फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी बनाने के काम में अहम किरदार अदा किया। सम्राट औरंगजेब ने मोहम्मद हादी उर्फ सूर्य नारायण मिश्रा को आगरा बुलाया और नामे लकब दिया मुर्शिद कुली खान। नामे लकब के साथ साथ बंगाल विरासत की दीवान बना दिया गया। 12 साल की गुलाम सूर्य नारायण मिश्रा से मोहम्मद हादी और मोहम्मद हादी से बन गए मुर्शिद कुली खान दीवाने बंगाल रियासत। 1701 में दीवाने बंगाल बने मुर्शिद कुली खान ने देखा बंगाल के सूबेदार अजीमुशान औरंगजेब के खिलाफ साजिश करके शहंशाह बनने की कोशिश कर रहा है। बंगाल रियासत की बेशुमार टैक्स की दौलत आगरा नहीं पहुंच रहा है। मुर्शिद कुली खान ये तमाम जानकारी सबूत के साथ सम्राट औरंगजेब तक पहुंचाता गया और इसके नतीजे में सूबेदार अजीमुशान के साथ सीधा सीधा जंग की शुरुआत हुआ। 1707 में सम्राट औरंगजेब के इंतकाल के बाद मुगल सम्राट बने सम्राट फारूक सियार। मुगल सम्राट फारूक सियार मुर्शिद कुली खान को बंगाल रियासत की नवाब बना दिया। समग्र बांग्लादेश, आसाम, झारखंड, बिहार, उड़ीसा की हुकूमत आ गए नवाब मुर्शिद कुली खान के हाथ में। यहीं से शुरू हुआ वंश परंपरा में नवाब बनने की सिलसिला और हकीकत में बंगाल के शासक बने नवाब मुर्शिद कुली खान। नवाब बन के नवाब मुर्शिद कुली खान अपनी हुकूमत की राजधानी बंगाल रियासत के केंद्र में कायम मकसूदाबाद ले आया। गंगा नदी के किनारे कायम शहर मकसूदाबाद में समग्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा को नियंत्रण करना आसान था। साथ ही साथ गंगा नदी के इस्तेमाल से ये एक तिजारती शहर थे। बंगाल की आजाद हुकूमती नवाब मुर्शिद कुली खान मुर्शिदाबाद के नाम बदल के अपने नाम के अनुसार मुर्शिदाबाद रख दिया। नवाब मुर्शिद कुली खान बंगाल विरासत की हर एक अंदरूनी विद्रोह को शक्ति के साथ खत्म किया। पिछले दौर की तमाम भू नीति को बदल के नया भू संस्कार नीति जमींदारी प्रथा को कायम किया। नवाब मुर्शिद कुली खान द्वारा पैदा किया हुआ जमींदारी प्रथा जो धीरे धीरे समग्र हिंदुस्तानी हुकूमत में जमींदारी सिस्टम में तब्दील हो गया। नवाब मुर्शिद कुली खान की हुकूमत में पैदा किया हुआ जमींदारी प्रथा इतनी कामयाब हुआ जिससे मिलने वाला टैक्स मुगल हुकूमत की कुल खजानों में से 40% हुआ करता था। राजधानी मुर्शिदाबाद शहर की तिजारती बरकत इतना फैल गया जिससे यूरोप की तिजारती समुदाय
खासकर ग्रीक, पुर्तगीज, फ्रांसीसी और अंग्रेज तिजारती क्लास मुर्शिदाबाद आने लगे। मुर्शिदाबाद की अल कसिम बाजार, वर्तमान में कसिम बाजार, एक इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर में तब्दील हो गया। भारतीय इतिहासविद यदुनाथ सरकार अपनी किताब में ये तमाम जानकारी बारीकी से लिखा है। शाहिनशाह अकबर की नवरत्न में शामिल अबुल फजल, पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया किताब आईने अकबरी की वर्णनानुसार मशहूर तिजारत मकसूद खान द्वारा वजूद में लाया गया मकसूदाबाद नवाब मुर्शिद कुली खान की दौर में मुर्शिदाबाद के नाम से दुनिया में पहचान हासिल किया। बंगाल की पहला आजाद नवाब मुर्शिद कुली खान की तमाम जिंदगी के बारे में शमशुद्दौला, शाहनवाज खान और उनका बेटा अब्दुल हाई खान मशहूर किताब मायसीर अल उमायरा में ये तमाम जानकारी को लिख के अमर कर गए। मकसूदाबाद से बने मुर्शिदाबाद की नाम, पहचान और बरकती खुशबू तमाम दुनिया में फैल गया। मुर्शिदाबाद को अजीम ऊंचाइयों में पहुंचा के आखिरकार सन 1727 में नवाब मुर्शिद कुली खान की इंतकाल हो गया। उनकी जनाजाए मुबारक मुर्शिदाबाद की काटरा मस्जिद में दफन किया गया। मुर्शिदाबाद की तमाम बड़े स्थापना जैसे हजारद्वारी पैलेस, इमामबाड़ा, काटरा मस्जिद नवाब मुर्शिद कुली खान के ही देन है। ये वो अजीम दौरे जमाना था जब मुर्शिदाबाद दुनिया की 5 बड़े कामयाब शहर में गिना जाता था। मुर्शिदाबाद की स्थापति नवाब मुर्शिद कुली खान की रूह पाक की मगफिरत के लिए आप जरूर दुआ कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करके वीडियो दूसरों तक पहुंचने में सहायता करें।